एट्थ क्लास बेटा, आज हम चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ्स वाला चैप्टर है हमारा। ये आपके पास टेस्ट में सिलेबस में है, ये उसमें ये ग्राफ्स के बारे में आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, अभी जो 11th को आपके पास टेस्ट होने हैं उसमें ये सिलेबस है आपका इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो जैसे मान लो हमें ऐसे करके वैल्यूज दी हो, वेरीफाई इफ़ दे लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, एक हमने ग्राफ बनाना है जिसमें हमने इनको वेरीफाई करना है। जैसे ए में हमें क्या दिया हो, 4-0 दिया हुआ है, बी में 4-2 दिया हुआ है, सी में 4-6 और आगे डी में 4-2.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट कैसे, हमने ग्राफ के अंदर हमने कैसे यहाँ पे शो करने हैं। जैसे मान लो ये मैंने बना लिया, यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया वाई। ठीक है, और इस साइड मैंने बना लिया, इसका नाम रख दिया, कोई भी नाम रख दो, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया ए। ठीक है, अब आपने देखना है यहाँ पे 4 और 6 तक, हाईएस्ट 6 तक है, 4 तक है। इस साइड हमने 6 तक पॉइंट लग स्केल से ना, हमने ऐसे स्केल रख के ना, स्केल से हमने ये यहाँ पे पॉइंट्स हमारे शो हो रहे हैं, है ना। ये वाले पॉइंट्स हमने कहाँ तक कर लेना, हमने 6 तक 1 से स्टार्ट। ये वाला पॉइंट हमारा 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, ये वाला जो कॉर्नर है ये 0 से। तो ऐसे हमने स्केल रख के यहाँ से 6 तक हमने पॉइंट्स को लगा लेना है। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर हमने नाम लिख देने इनके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये 6 तक हाईएस्ट है ना, 6 तक। अगर आगे और नंबर होंगे तो आगे और भी हम ऊपर तक नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद इस साइड 4 है हाईएस्ट, 5, तो 5 तक हम पॉइंट लगा लेंगे, है ना। ऐसे स्केल रख के 0 से रख के ऐसे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिख लेते 1, 2, 3, 4, 5 या 6 जितना भी आगे आगे लिखना है। ठीक है, अब देखो आप ये इसका नाम रख देते हैं एल, ये हमारा ये पार्ट है, इसका नाम एल रख देते हैं, इसका वाई रख देते हैं। अब हमें क्या बोला यहाँ पे, ए 4,0 दिया हुआ हमें, तो हमने देख लेना है 4 तो हमारा ये हो गया, 4 ए में क्या है, 4 और 0, 4 हमारा पॉइंट ये हो गया, है ना। यहाँ पे हमने डार्क से ऐसे कर लेना है, और 0 ये हमारा 0 ही है, तो यहाँ पे इसका मतलब हमने यहाँ पे ही राउंड कर देना, 0 पॉइंट ये हो गया ना, 4 हो गया और 0 हो गया, 4 और 0। अभी बी में क्या दिया हुआ हमें, इसका नाम रख दिया हमने ए, ए है ना, ये यहाँ पे ए। अब बी में 4 और 2 दिया हुआ है, 4 कहाँ पे, अभी आप देखो यहाँ पे 4 तो हमारा ये हो गया, 1, 2, 3, 4। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 2, तो हमारा इस साइड 2 कहाँ पे है, हमने बिल्कुल सीधा इसके सामने 4 से हल्का सा यहाँ पे इसके सामने राउंड करके यहाँ पे लिख देना, कौन सा पार्ट है ये, बी पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सी 4, 4 यहाँ से शुरू होता है, तो कहाँ तक जाना हमने, 6 तक। इस साइड 6 कहाँ है, ये देखो इसके सामने, बिल्कुल सामने इसके, यहाँ पे हमने राउंड कर दिया 4 और 6, सी पार्ट में हो गया 4 और 6, इसका नाम रख दिया हमने सी। अब डी में क्या दिखो, 4, 4 यहाँ से शुरू हो गया, 2.5, तो ये हमारा यहाँ पे 2 है, 2.5 है, 2 और 3 के बीच में हमने 0.5, जहाँ पे 6 तक होता है हमारा स्केल में, हम काउंट कर सकते हैं ये वाली लाइनें है ना, तो 0.5 तक कहाँ होगा, तो 0.5 होगा हमारा यहाँ पे शो होगा, थोड़ा सा बी के ऊपर, यहाँ पे 2 और 3 के सेंटर में, तो ये पार्ट हो गया हमारा डी पार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल हमने ऐसे करके सीधी लाइन खींच लेनी है, स्केल से खींचनी, स्केल से खींच लो, नहीं तो जैसे मर्जी आप ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अभी हमने लिख लेना कौन कौन से पॉइंट्स बने हमारे, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, लाई लाई बताया ना हमें, लाई होना लाइन करना हमने, तो लाई होना लाई, यही चीज़ हमें पूछी, फॉलोइंग पॉइंट होना ग्राफ शीट, एक हमारे पास ग्राफ शीट होती है, ये चीज़ें आप ग्राफ शीट के ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, वेरीफाई इफ दे लाई हो ना लाइन, तो लाइन को हमने वेरीफाई किया है कि ग्राफ के ऊपर।